नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। वेतन वृद्धि प्रमोशन प्रक्रिया पर सरकार ने सुनाया अपना फैसला। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम सूचना। कोरोना के कारण कर्मचारियों की नौकरी, तरक्की, प्रमोशन सब पर असर देखने को मिल सकता है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो कोरोना के बढ़ते असर के कारण केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सालाना अप्रेजल रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब पूरी करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। APR फॉर्म को बांटने का काम 30 मई तक पूरा हो जाएगा। वहीं 30 जून तक रिपोर्टिंग अधिकारी को सेल्फ अप्रेजल सौंपा जा सकता है। ज्ञात हो कोरोना के बढ़ते असर के कारण आम नागरिकों के साथ साथ कई चीजों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोरोना के टीके बनाने की आई खबर। कोरोना के बढ़ते असर के बीच देश दुनिया से कोने कोने से कोरोना के इलाज को ढूंढने की खबर सामने आ रही थी। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का नाम सामने आया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उनके वैज्ञानिक ने कोरोना का टीका बना लिया है, जिसके ट्रायल की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का कहना है कि कंपनी ने हाल ही में बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर जनवरी महीने से ही टीके को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि अब उन्हें बड़ी सफलता मिली है। कंपनी ने आगे यह भी कहा है कि हमारे द्वारा बनाए गए टीके का ट्रायल जल्द ही कर लिया जाएगा। अगर यह सफल रहा तो पूरी दुनिया में 1 बिलियन टीके के तैयार करके इसका वितरण किया जाएगा। आइसोलेशन सेंटर में रखे गए लोग अब नहीं बदल पाएंगे अपना लोकेशन। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अब टेक्नोलॉजी और प्राइवेट एजेंसियों का सहारा सरकार ले रही है, जिसके तहत अब आइसोलेशन में रखे गए सभी लोग अब अपना लोकेशन नहीं बदल पाएंगे। सभी टेक्नोलॉजी और प्राइवेट एजेंसियों की नजर लगातार उन लोगों पर बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के नाम का एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की लोकेशन के बारे में बताए जाने खास करके आइसोलेशन में रखा गया है। यह टूल टेक्नोलॉजी सर्विस और उनके मोबाइल टावर से जानकारी इकट्ठा करती है। ज्ञात हो भारत में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में देखते हुए सरकार हर स्तर पर अपनी कोशिश में लगी हुई है। पीएम केयर्स फंड में रिलायंस ने दिए 500 करोड़ रुपए। वर्तमान समय में भारत कोरोना की चपेट में है। वहीं हर जगह से कोरोना की इस परिस्थिति में मदद के लिए भी हाथ सामने आए हैं। इसी क्रम में कई दिग्गज उद्योगपतियों और अभिनेताओं के बाद रिलायंस का नाम भी सामने आ रहा है। खबरों की माने तो कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए के दान को देने का ऐलान किया है, जिसके तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने बयान में कहा है कि 500 करोड़ रुपए देने के अलावा रिलायंस ने कोरोना के इलाज के लिए मुंबई में 100 बेड का एक खास अस्पताल भी तैयार करवाया है। इतना ही नहीं, रिलायंस द्वारा देश के 50 लाख लोगों को भोजन भी करवाया जा रहा है। विजय माल्या ने की ट्वीट कर सारा पैसा लौटाने की बात। मशहूर कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर से ट्वीट करके अपना सारा कर्जा वापस करने की पेशकश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा लिया गया फैसला सम्मानजनक है, लेकिन इसकी वजह से मेरी और मेरी कंपनी का काम बंद हो गया है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग भी बंद है। इसके बावजूद हम अपने कर्मचारियों को घर नहीं भेज रहे हैं और इसकी कीमत चुका रहे हैं। सरकार हमारी मदद करे। इसके साथ ही विजय माल्या ने यह भी लिखा है कि वह कई बार ऐसा कह चुके हैं, मगर एक बार फिर से दोहराना चाह रहे हैं कि वह बैंक का सारा पैसा लौटाने के लिए तैयार है, मगर बैंक ना पैसा ले रही है और ना ही सरकार इसकी अनुमति दे रही है। कोरोना के इस फैलते असर के बीच खानपान से संबंधित बातों का ना करें अनदेखी। कोरोना इस समय में पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं भारत में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। इसी बीच अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि खाने पीने के पैकेट से भी कोरोना के फैलने की आशंका बढ़ जाती है, और इसके लिए सभी लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि वह ज्यादा से ज्यादा घर में पका खाना ही खाए, और अगर वह बाहर का खाना खा भी रहे तो बाहर से आए पैकेट का छिड़काव करे। साथ ही साथ उसे 72 घंटों के लिए उस पैकेट को स्टोर कर ले, जिसके बाद अगर थोड़ी देर बहुत आशंका भी कोरोना के फैलने की होती है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अभी तक खाने के पैकेट से कोरोना के फैलने की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, मगर किसी भी एहतियात के तौर पर लोगों को इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के मुताबिक बेहतर होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा घर का पका खाना खाएं, टेक अवे और फूड डिलीवरी पर निर्भर ना करें। टोक्यो ओलंपिक्स की नई तारीख की हुई घोषणा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थगित की गई टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजन की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत अभी ओलंपिक अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। हालांकि पहले टोक्यो ओलंपिक आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होना था, मगर कोरोना के बढ़ते असर देखते हुए इसे स्थगित कर अगले साल कर दिया गया है। खबरों की माने तो मॉडर्न ओलंपिक खेलों के 124 सालों के इतिहास में यह पहला मौका है जब टोक्यो ओलंपिक को इतने लंबे समय के लिए स्थगित किया गया है। प्रिंस चार्ल्स ने जीती कोरोना की परीक्षा। राज परिवार के प्रवक्ता प्रिंस चार्ल्स ने कोरोना की इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है। इतना ही नहीं, वह स्वस्थ होकर आइसोलेशन
आइसोलेशन जोन से बाहर आ गए। 71 साल के प्रिंस चार्ल्स ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा की थी। हालांकि उन्हें पता चलते ही वह तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर चुके थे, जिसके बाद क्लियरेंस हाउस ने यह पुष्टि की है कि डॉक्टर के परामर्श के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स अब स्वयं आइसोलेशन से बाहर आ गए हैं। वहीं प्रिंस चार्ल्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी पत्नी कैमिला के भी कोरोना की आशंका जताई गई थी, हालांकि उनकी रिपोर्ट गलत आई थी। दिल्ली के बाद देश में और स्टेडियम बनाए जाएंगे आइसोलेशन सेंटर। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए हर रोज कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे को भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कई स्टेडियम को भी आइसोलेशन सेंटर बनाने जा रही है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि स्टेडियम में एक साथ कई लोग क्वारंटाइन किए जा सकते हैं, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का प्रयोग आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए किया गया है। वहीं अगर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का यह परीक्षण सफल रहा तो भारत के अन्य स्टेडियम को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने एटीएम के चालू होने की कही बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत बंद के बीच हाल ही में अपना एक बयान जारी किया है और यह सुनिश्चित किया है कि भारत के सभी बैंक अपने काम में लगे हुए हैं और उनकी शाखाएं खुली रहेंगी, एटीएम में भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों को भी अधिसूचना जारी कर दी है, साथ ही सभी कर्मचारियों से आदेशानुसार काम करने की अपील की है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने बैंक कर्मियों के कोरोना की स्थिति में भी काम करने के हौसले की सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि शाखाएं खुली हो और एटीएम में पैसे भी रहें। इतना ही नहीं, सभी बैंककर्मी के हौसले को हमारा सलाम है। ज्ञात हो, आम नागरिकों की समस्या को देखते हुए सरकार ने कुछ दिनों पहले सभी बैंकों को नियमित तौर पर खोलने का ऐलान किया था। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया था कि बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या का एक नया वीडियो कर रहा है ट्रेंड। भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसके तहत दोनों भाई घर में ही बंद के कारण क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो इन दोनों ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, हम घरों के अंदर रहकर भी एंजॉय कर सकते हैं, प्लीज आप सभी घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। ज्ञात हो, कोरोना के बढ़ते असर की वजह से क्रिकेट के सभी प्रारूपों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद से सभी क्रिकेटर्स ज्यादा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।